मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे मिली मैन थ्योरम। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। अगर किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कर। आज हमें पढ़नी है मिलीमैन थ्योरम। ठीक है, अब मिलीमैन थ्योरम क्या कहती है? मिलीमैन थ्योरम कहती है, अभी बच्चा आ गया। अच्छा बेटा, मैंने ना आप लोगों को क्या नाम है, आज से ना आपकी अटेंडेंस, एक सेकंड पहले सुनो सर, एक बार बेटा मेरा ध्यान सुनना। मैं आप लोगों के ग्रुप में ना भी अटेंडेंस डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आज के बाद आप लोगों ने अटेंडेंस कैसे लगानी है, गूगल पे जाकर अपने अटेंडेंस लगानी है आप लोगों ने। ठीक है, मैंने अभी आपके ग्रुप में देखो एक लिंक शेयर किया है, इस लिंक पे जाओगे और अपनी अटेंडेंस ड्यूरिंग द क्लास लगाओगे। जैसे आज क्लास का लेक्चर है ना 11 से 11:50 है, तो 11 से 11:50 तक ये ओपन रहेगा, उसके बाद ये क्लोज होगा। तो ऐसे ही कल से ना मैं डेली क्लास के साथ क्या करूँगा, आप लोगों की ना डेली क्लास लिंक के साथ आपको अटेंडेंस लिंक भी आएगा, तो आपको अपने नाम क्या आगे वहाँ जाके प्रेजेंट लगाना है। ठीक है बेटा, और ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब 12 बजे के बाद आप उसको व्यू कर पाओगे लेकिन एडिट नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, समझ आया सबको? यस सर। सबने अपने अटेंडेंस लिंक पे जाके मार्क करने ड्यूरिंग द क्लास, डेली है बेटा ये। ठीक है, लास्ट वीक की मैं खुद लगा दूंगा, आपने आज से लगाने। ठीक है, देखो बेटा, आज हमें पढ़ना है मिलीमैन थ्योरम। ठीक है, तो मिलीमैन थ्योरम क्या कहते हैं? ये कहते हैं हमारे जो सर्किट डायग्राम होते हैं, उन सर्किट डायग्राम में हमारे पास कभी भी ऐसा होता है कि हमारे पास ना बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्सेज हैं, हम उन सभी वोल्टेज सोर्सेज को, जैसे आप इस केस की बात करें कितने वोल्टेज सोर्स हो गए, ये पहला हो गया V1, दूसरा हो गया V2, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो कहता है हमारे पास जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे ना, उन सारे वोल्टेज सोर्स को हम लोग इस सर्किट में चेंज करते हैं। ठीक है, कैसे चेंज, इस सर्किट को कहते हैं मिलीमैन सर्किट। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, कहते हैं जितने भी रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा था, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा था, तो हम जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, हर एक रेजिस्टेंस और हर एक वोल्टेज सोर्स को इंडिविजुअली सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे ये पहला रेजिस्टेंस था, R1 V1 सीरीज में कनेक्ट कर दिया, दूसरे वोल्टेज सोर्स को फिर एक रेजिस्टेंस का सीरीज में कनेक्ट कर दिया, वैसे जितने भी होंगे सबको कर देंगे, और आपस में सारे कैसे कनेक्टेड होंगे, दूसरे से पैरेलल। ठीक है, अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, तो मिलीमैन थ्योरम क्या कहती है बेटा, इट स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, कितने भी नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, V1 V2 V3 अप टू VN आर इन पैरेलल, ये एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, Having resistance R1, R2, R3 up to RN in series, और resistance और voltage कैसे connected आपस में, series में, then the arrangement, तो ये जो circuit है, then the arrangement can be replaced by a simple circuit, हमने उसको एक simple circuit में replace कर दिया, कैसे, ये जितने भी voltage source थे, हमने इन सब voltage source को एक single voltage में convert कर दिया, जितने भी resistance थे, हमने इन सब resistance को एक single resistance में convert कर दिया। तो मिलीमैन क्या कहता है बेटा, मिलीमैन कहता है हमने जो भी हमारा सर्किट डायग्राम था, तो उसमें जितने भी रेजिस्टेंस थे, हमने उनको एक सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया, जितने भी वोल्टेज थे उनको एक सिंपल वोल्टेज में सोर्स में रीड्रॉ कर लिया, तो अब हमारा सर्किट डायग्राम खाली क्या बच गया, आर लोड रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स। इतना समझ में आया बेटा? अब हमें देना, सो करेंगे कैसे, हमें इसको खाली दो टर्म्स चाहिए हमें, आर और बी, तो इनको हम करेंगे कैसे भी, हमें ये देखें। तो देखो बेटा, एक सिंपल सा वर्ड है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी से हम लोग डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, किससे डिनोट करते हैं हम लोग, जी से, जी स्टैंड फॉर कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, तो अगर अब मैं दोनों फॉर्मूले बता रहा हूँ, जी के टर्म में बता दूंगा और आर के टर्म में बता दूंगा। ठीक है, तो वो कहता है अगर पहले हम देखते हैं वी कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो V निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू प्लस माइनस V1 G1 प्लस V2 G2 प्लस, चलता रहेगा कहाँ पे चलता रहेगा, लास्ट वाला
plus Vn or Gn, whole divided by G1 plus G2 plus चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, लास्ट वाला क्या आएगा, Gn, ठीक है, where G is equal to 1 by R. मतलब अगर जी वन की वैल्यू बात करूंगा क्या हो जाएगा, 1/R1, जी टू निकालेंगे तो 1/R2, जी थ्री निकालेंगे 1/R. तो वोल्टेज सोर्स निकालने का ये फॉर्मूला में हम यहाँ से V की वैल्यू निकाल. सेकंड केस, R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहता है R की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला दिया, R इज इक्वल टू 1/G. ठीक है, अब कितने जी हैं यहाँ पे, जितने रेजिस्टेंस होंगे, तो 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3 अप टू जी. तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. ठीक है बेटा, ये देखो, V इज इक्वल टू I बाई R वाले फॉर्मूले से लगा है. ठीक है, तो ये हमने वोल्टेज सोर्स निकाल ली. कैसे निकाली, ये पहले वाले सोर्स की, ये दूसरे वाले सोर्स की, अप टू ये आखिरी वाले, होल डिवाइडेड बाय G1, G2. रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/G, 1/G1 प्लस G2 अप टू G. ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को बेटा हम लोग R की टर्म में देखें तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे G1 की वैल्यू पुट कर देंगे. G1 की वैल्यू क्या होती है, 1/R1, 1/R2, 1/RN, 1/R1, 1/R2, 1/RN. इन सब की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करते हैं. जैसे पुट करेंगे तो इसको हम लोग अगर ये थोड़ा सिंपल हो जाता है और कुछ नहीं है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं फॉर्मूले को, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये हमारा फॉर्मूला बन गया. सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई फर्क नहीं है. बस क्या फर्क है, ये हमने रेजिस्टेंस के टर्म में है और जो ऊपर वाला था वो किसके टर्म में था, कंडक्टेंस की. तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो भी निकालने. ठीक है बेटा, अब देखो, अब वो कह रहा है हमने V निकाल लिया, R निकाल लिया, अब क्या करेंगे, ये हमारा सर्किट डायग्राम था. ठीक है बेटा, वो कह रहा है हमने R की वैल्यू निकाल ली, हमने V की वैल्यू निकाल ली, अब हमें निकालना क्या है, करंट किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, IL. करंट कैसे निकालते हैं, V/R. तो आप टोटल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू निकाल ली, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R plus R. तो अगर हमें लोड रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो यहाँ से हमें टोटल करंट जो है हम यहाँ से निकाल देंगे. ठीक है बेटा, अब इसी को ना हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में करना क्या है. तो देखो, इतना समझ में ना, मिलीमैन थ्योरम कहती क्या है, मिलीमैन थ्योरम कहती है कि हमें करना क्या है बेटा, वो कहता है कोई भी सर्किट डायग्राम है, जैसे देखो ये हमें दे रखा है, इसमें मिलीमैन थ्योरम यूज करके करंट की वैल्यू निकालना. तो वो कहता है कि कोई भी सर्किट, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना बेटा इसमें, मिलीमैन थ्योरम में डायरेक्शन का, मिलीमैन थ्योरम में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है. ये कहता है मेरे को, वो अपने देखा होगा ना फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ था, आगे प्लस माइनस लिखा हुआ था, प्लस माइनस V1 G1, प्लस माइनस V2 G2, प्लस माइनस V3 G3. ठीक है, तो ये कहता है इसमें ना हमें साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखना है. साइन कन्वेंशन कैसे पता लगेगा, ध्यान से देखना. ये कहता है, एक सेकंड को डायग्राम से समझाता हूं जल्दी से आसानी से. ये देखो बेटा, इसमें ना हमें पोलैरिटी का ध्यान रखना है. किसका ध्यान रखना है, पोलैरिटी का. हमें ये ध्यान रखना है करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, प्लस से माइनस की तरफ. ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं R1 की बात कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे प्लस था ना बैटरी का, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की तरफ. मतलब इस रेजिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ R1 की, तो ये साइन क्या हो गया हमारा प्लस, और ये साइन क्या हो गया हमारा माइनस. अब यहाँ से R1 करंट हमारा यहाँ से आ रहा था, जब यहाँ से आया तो करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, कुछ यहाँ पे चला गया कुछ आगे चला. जब यहाँ पे जाएंगे तो देखो, अब करंट इस तरफ आ रहा है ना, तो करंट कहाँ से कहाँ जाता है, प्लस से माइनस. मतलब अगर मैं R2 की पोलैरिटी की बात करूँ, ऊपर वाला क्या होगा, प्लस, नीचे वाला क्या होगा, माइनस. ठीक है, जैसे अब यहाँ से करंट आ रहा था, ये वाला क्या होगा, प्लस, ये वाला क्या होगा, माइनस. पोलैरिटी का ध्यान रखना है करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, प्लस कहाँ होगा और माइनस. ठीक है, इसमें जो गलती होगी ना बेटा, प्लस माइनस में ही गलती होगी, बाकी कहीं गलती नहीं होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन था नहीं, ये
ये हमारा क्वेश्चन है बेटा जी, ठीक है। अभी समय क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें करंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मिलमैन थ्योरम। अब मिलमैन थ्योरम क्या कहती है बेटा, मिलमैन थ्योरम कहती है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। एक मिनट बेटा, एक सेकंड बेटा होल्ड करना, ठीक है। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं, हमें मिलीमैन थ्योरम यूज करके हमें इसमें करंट निकालना। मैंने हम क्या कहा था कि जितने वोल्टेज सोर्स होंगे उनके साथ रेजिस्टेंस में होना चाहिए। तो देखो ये पहला वोल्टेज सोर्स है, तो इसके साथ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया आर वन। ये दूसरा वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ रेजिस्टेंस लगा दिया आर टू। इसमें तो कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है और ये ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब इसमें वोल्टेज हमारी क्या होगी, जीरो। वी थ्री क्या होगी, जीरो। तो हमने क्या किया, ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया और ये हमारा थर्ड हो गया, और तीनों एक दूसरे के साथ किसमें कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में। ध्यान देखो एक दूसरा किसमें कनेक्टेड है सारे सारे पैरेलल, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसके अक्रॉस करंट निकालेंगे वन के, फिर टू के, फिर थ्री के अक्रॉस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वन के अक्रॉस, ठीक है, हम अभी निकाल रहे हैं इसके अक्रॉस, हमें निकालना है। जब इसके अक्रॉस निकालेंगे तो देखो अब वोल्टेज कैसे निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं वी वन माइनस वी टू, ठीक है। अब वी वन कौन सी होगी, वी वन होगी अभी बेटा सर्किट की वोल्टेज, ठीक है। तो पहले हमें इस पूरे सर्किट में किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ही बताया था मैंने आपको, फटाफट निकाल दो कितनी आ रही है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वी निकालने का फॉर्मूला था हमारा प्लस माइनस वी वन जी वन, या फिर अगर सिंपल आर वन की बात कर रहा हूँ तो वी वन अपॉन में आर वन प्लस वी टू अपॉन में आर टू प्लस तीन सोर्स है ना इसमें, तो वी थ्री अपॉन में आर थ्री होल डिवाइडेड बाय वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री, ठीक है बेटा। फटाफट निकालो बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। फटाफट निकालो बेटा वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। हाँ आदित्य कुमार निकाली बेटा, आदित्य कुमार, अनुष्का अरोड़ा, दुपम कालरा, कबीर, बेटा मेरी बात सुनो, मैं ना अटेंडेंस ले रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी सबको। मनीष यस सर आ रही है, ठीक है बेटा मैं ना अटेंडेंस ले रहा हूँ, जो बच्चा नहीं बोलेगा ना मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। आदित्य कुमार प्रेजेंट। हाँ चैतन्य बोलो बेटा। सर आपने म्यूट करा हुआ था सबको, अब तो हटा रखा बेटा मैंने, हटा रखा। अनुराग शर्मा प्रेजेंट है, अनुराग शर्मा आस्था, बेटा हैंड क्यों रेस कर रहे हो, बोलो ना आप हैंड क्यों रेस कर रहे हो। हाँ स्नेहा बोलो, राजीव बोलो बेटा। सर म्यूट कर रखा है सर, आपने अनम्यूट नहीं हो रहा सर। सर प्रेजेंट हूँ सर, म्यूट ही हट ही नहीं रहा था। सब बच्चे बोल तो रहे हैं यार, मैंने हटा रखा है सबको, ये बच्चे बोल, बाकी बच्चे भी तो बोल रहे हैं। प्रेजेंट हूँ सर, अनुराग शर्मा। आंसर निकालो इसका, आंसर निकालो।
इसमें हमें क्या निकालना है सर? सर सब म्यूटेड ही है, आप जिनको क्लिक कर रहे हैं ना वही अनम्यूट हो पा रहे हैं। बेटा मैंने सबको हटा रखा है, दोबारा क्लिक करके दोबारा करता हूं, मैं सबको हटा रखा है। अब हो गया सर। निकालो, अब बताओ कितनी वैल्यू आ रही है आगे वी की, इसमें से वी की वैल्यू निकालनी थी ना, निकालो कितनी आई, फटाफट बताओ। देखो वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले वी वन की बात करते हैं, ये वी कितनी 75 नहीं बेटा, ध्यान से देखो मैं बता रहा हूँ, 28 देखो, 35 नहीं बेटा मेरी सुनो, मैंने कहा था ना पोलैरिटी का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान देखना, मेरी बात सुनो, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से वी वन से, ठीक है, इसके अक्रॉस की बात कर रहा हूँ उसके, तो वी वन की कितनी वैल्यू होगी, वी वन की वैल्यू कितनी होगी, कौन सा एंड है माइनस, तो वी वन की वैल्यू कितनी हुई माइनस 50 अपॉन में आर वन, आर वन कितना था बेटा 1 प्लस वी टू, अब वी टू की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी प्लस 20, ऊपर वाला एंड देखो कौन सा है, बड़े वाला है ना बैटरी का साइन, तो प्लस 20, देन हम लोग क्या निकालेंगे v3 मैंने बताया इसके अक्रॉस तो कोई है ही नहीं, तो v3 वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, v3 वैल्यू आ गई 0, r1 दे रखा है, r2 दे रखा है, r3 दे रखा है, 1 अपॉन में r1 दे रखा है, 1 अपॉन में r2 दे रखा है, 1 अपॉन में r3 वैल्यू दे रखी है, r1 है 1 किलो ओम, r2 है 1 किलो ओम, r3 है 2 किलो ओम, अब निकालो फटाफट कितनी आ रही है, जल्दी निकाल के बताओ, जल्दी निकालो बेटा कितनी आ रही है, 10 आ रही है सर, हां माइनस 12 माइनस 12 आ रही है, आई सबकी माइनस 12, माइनस 12.8 आ रही है सर, हाँ नहीं माइनस 12 आएगी बेटा, ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमने वी की वैल्यू निकाली, अब वो कह रहा है हमें हर एक के साथ इंडिविजुअल वोल्टेज निकालनी, तो पहले इसकी इंडिविजुअल वोल्टेज निकालनी, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ इंडिविजुअल वोल्टेज निकालने की, कैसे निकलेगा, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है नेट वोल्टेज का, V1 माइनस V2, V1 कौन सी होगी हमारी, जो हमारी सर्किट की निकलेगी बेटा, ठीक है, VC कर लेते हैं सर्किट की, क्या फॉर्मूला बन गया, VC माइनस जिसकी निकालनी, किसकी निकालनी है, V1 की, हमारा VC सर्किट की वोल्टेज हमारी निकल गई माइनस 12, ठीक है बेटा, अब हमें पहले इसके अक्रॉस निकालना है, तो इसके अक्रॉस निकालेंगे तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगी, जो सर्किट की वोल्टेज है माइनस जो इसकी है, VC माइनस V1, अब पोलैरिटी का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, अब देखो VC कितना निकला हमारा माइनस 12, तो ये होगी माइनस 12 देन माइनस, देन कौन सी वोल्टेज, V1, V1 कितनी हमारी माइनस 50, माइनस 50 कितना निकला बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितनी वोल्ट निकल गई 38, मतलब हमारी V1 की वैल्यू, V1 के अक्रॉस अगर मैं इसके अक्रॉस निकाल रहा हूँ ना, वी R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वी R1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज निकल गई 38, आई बेटा, आई बेटा सभी की, यस सर। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हम निकालते हैं इसके अक्रॉस R3 के अक्रॉस, ठीक है, तो वी R3, जब R3 के अक्रॉस निकालेंगे बेटा तो कितनी आ रही है, ध्यान से देखना, R3 के अक्रॉस आएगी हमारी, यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी इसमें 0, नेट वोल्टेज कैसे निकालते थे, सर्किट की माइनस जो उसके अक्रॉस है, उसके अक्रॉस इसके V3, तो VC कितनी थी माइनस 12, V3 की वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस 0 कितनी निकल गई माइनस 12, समझ में आया बेटा, यस सर। अब नेक्स्ट इसके अक्रॉस निकालना है, जब इसके अक्रॉस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, VC माइनस V2, VC कितना है हमारा 8 माइनस 12 माइनस 12, ठीक है बेटा माइनस, अब V2 की वैल्यू क्या थी 20, तो माइनस 12 माइनस 20 कितना हो गया माइनस 32 बेटा, हाँ सर 32 तुम्हारा, हाँ तो हमारे 32, हमने क्या किया मिलीमैन थ्योरम के अक्रॉस वो बोल रहा था वोल्टेज निकालने, तो हमने एक्स वाई के अक्रॉस जितने भी थे, ये पहला सोर्स हमारा ये बना था ना कंबाइन,
पहला सोर्स ये बना था, दूसरा ये बना था और तीसरा ये बना था, तो हमने तीनों के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज लिखा। ठीक है बेटा, अगर वो पूछता कि पूरे सर्किट में करंट क्या फ्लो कर रहा है तो कैसे निकालते, हमने वी निकाला था, माइनस 12 आ गया था, वी हमारा माइनस 12 आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे टोटल, तीनों किसमें कनेक्टेड आपस में पैरेलल में, निकल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वी पता लग गया, आर पता लग गया, तो वहां से आई की वैल्यू निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो करंट नहीं पूछेगा, मिलीमैन थ्योरम में यही पूछेगा कि आर टू के आर वन के अक्रॉस क्या वोल्टेज है निकाल। ठीक है बेटा, यस सर। अच्छा सर, आपने वी इक्वल टू माइनस 1/12 क्यों लिखा है? नहीं, माइनस नहीं लिखा बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन देख लिया था ना, यहाँ पे इसको देखो, ये बैटरी थी और ये बैटरी थी, दिख रही थी? अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। अब देखो, मैंने उसी क्वेश्चन को दोबारा चेंज किया है, मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, उसकी पोलैरिटी चेंज होगी ना। पहले यहाँ पे क्या था, ये था बेटा पहले क्वेश्चन, यहाँ पे पहले ऊपर पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव था, मैंने इसको क्या करा है, चेंज कर दिया, मैंने इस वाली पोलैरिटी को चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, अब हमें निकालना है सेम इसमें, अब वी की वैल्यू निकालो कितनी आ रही फटाफट, हमने किसी भी एक की पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं, तो हमने V2 की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। कैसे रिवर्स किया V2 की पोलैरिटी को, अगर इसको रिवर्स करना तो हमने इसको उल्टा कर दिया यहाँ से। अब निकालो V की वैल्यू निकालो बेटा कितनी आ रही है, सेम प्रोसेस, माइनस ट्वेंटी एट। अब वी आर वन की निकालेंगे, वी आर थ्री की निकालेंगे और वी आर टू की निकालेंगे, फटाफट निकालो कितनी आ रही है, वी की तो आई हमारी -28। ठीक है बेटा, वी आर वन की निकालो, 22 वी आर वन की आएगी, 22। ठीक है बेटा, आर थ्री की सेम आएगी, आर थ्री तो जीरो था ना, वी थ्री तो सेम आएगी वही वी वाली, -28 आ गई। और आर टू की निकालो, -8। आ गया सबको, किसी को डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नो सर। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन और खुद से करो। निकालो इसमें सेम चीज निकालनी, दोबारा फटाफट निकालो। सर 4 नहीं बेटा, सर 8 8 सर 9 8 आएगी बेटा। आई सबकी 8 बताऊं? आ गई सर, सबकी आ गई बेटा, आ गई सर। ठीक है बेटा, बी अब बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, 8। अब नेक्स्ट वी आर वन की वैल्यू तो कितनी आ रही है, वी आर वन की कितनी आएगी सर, 2। वी आर थ्री की तो सेम वही आ जाएगी,
8 क्योंकि 0 है इसमें, अगेन v3 क्या हमारा 0 है, v r2 निकालो बेटा -1 r2 नहीं बेटा सर r2 -10 माइनस या -10 ठीक है बेटा, इसमें किसी को डाउट, इसमें से डाउट है तो पूछो। ठीक बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी रेप्रोसिटी थ्योरम, नेक्स्ट हमारी रेप्रोसिटी थ्योरम। अब रेप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, रेप्रोसिटी थ्योरम कहती है कि अगर मैं किसी भी सर्किट में, अगर मैं किसी भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स को चेंज कर दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स लगा रखा था एक्स वाई के अक्रॉस, ठीक है बेटा दिख रहा है मैंने वोल्टेज सोर्स कहाँ लगा रखा है एक्स वाई के अक्रॉस, अगर मैं इसी वोल्टेज सोर्स को ए बी के अक्रॉस लगा दूँ तो क्या होगा, तो रेप्रो से ही पता लग रहा है उल्टा। तो रेप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं वोल्टेज सोर्स को यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ लगा दूंगा तो दोनों आर्म्स में जो करंट रहेगा ना बेटा वो करंट क्या रहेगा सेम, दोनों आर्म्स में जो करंट रहेगा वो करंट क्या रहेगा सेम, ठीक है। तो रेप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि इन एनी ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क सर्किट, कोई भी ब्रांच है नेटवर्क सर्किट की, द करंट ड्यू टू सिंगल सोर्स ऑफ वोल्टेज, जो करंट होगा सिंगल वोल्ट सोर्स का वो इक्वल होगा, बराबर होगा किसके, करंट थ्रू द ब्रांच इन विच द सोर्स वॉज ओरिजिनली प्लेस्ड, पहले सोर्स यहाँ पे था तो मान लो यहाँ पे करंट था हमारा 2, इस सोर्स को उठा के हमने यहाँ लगा दिया तो जब यहाँ पे जो करंट आएगा वो क्या आएगा 2, कहने का मतलब वो है हम जब उसको चेंज करेंगे तो दोनों टाइप हमारा जो करंट होगा वो क्या रहेगा सेम, ये समझ में आया रेप्रोसिटी थ्योरम कहती क्या है बेटा। Yes, अब देखो अब हमने इसे एग्जांपल से समझेंगे, इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं ठीक है, ध्यान देखना हम इसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट में हमने कहाँ लगा रखा वोल्टेज सोर्स, हमने लगा रखा वोल्टेज सोर्स एक्स और वाई के बीच में, जब एक्स और वाई के बीच में शो कर रहे हैं तो हमें पहले पूरे सर्किट का क्या निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम पहले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इक्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ध्यान देखो, टू एक दे रखा है रेजिस्टेंस, टू एक दे रखा है, वन एक दे रखा है, थ्री एक दे रखा है टू, ठीक है कहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है, ये दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में, तो 2+1 3, ये 3 और ये 3 किस में हो जाएंगे पैरेलल में, देन ये किस में हो जाएगा सीरीज में, ऐसे ही बनेगा ना, निकालो कितना आ रहा फटाफट सॉल्व करो 3.5 आर इक्विवेलेंट हमारा आएगा 3.5, ये तो सिंपल है रेजिस्टेंस सॉल्व करना, इसमें किसी को डाउट नहीं है, हमने क्या किया इस सर्किट में हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया बेटा ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया कितना आया हमारा 3.5। नेक्स्ट देखो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखो पहले अज्यूम कर रखा है ये आई वन है, इसके अक्रॉस आई टू है, इसके अक्रॉस आई थ्री, अब आई टू था तो यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पे भी हमारा आई टू होगा, सॉरी आई टू होगा ठीक बेटा। अब हमें क्या करना है इंडिविजुअल आई वन आई टू और आई थ्री की वैल्यू निकालनी, तो पहले हम निकालते हैं आई वन की वैल्यू, जब I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I क्या होता है V by R, तब जब I1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा V by R, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 10 और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना निकला 3.5, तो इसके अक्रॉस I1 की वैल्यू कितनी निकल गई 10/3.5, सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारी आएगी 2.8, तो I1 के अक्रॉस हमारा कितना आ गया 2.8 समथिंग आएगी ठीक है बेटा, तो ये हमारी आई आई वन की वैल्यू। सर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद क्या करा है, हमने आई की वैल्यू निकाल ली बेटा, क्योंकि वोल्टेज तो पूरे सोर्स का था ना, तो हमने आई वन की वैल्यू निकाल ली कि एक्स वाई के अक्रॉस, एक्स वाई के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करता था, तो यहाँ पे तो आई वन जा रहा है ना यहाँ से, तो हमने आई वन की वैल्यू निकाल ली, कैसे निकाली वी बाई आर, वी कितना था 10, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 3.5। नेक्स्ट निकालते हैं आई टू के अक्रॉस, जब I2 के क्रॉस निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं बेटा, देखो ये मैंने कल भी एक फॉर्मूला बताया था, अगर एक में जा रहा है ये देखो, अब इसमें कैसे निकाला हमने, इसमें फ्लो कर रहा है हमें इसमें निकालना है, पहले दिन एक फॉर्मूला सिखाया था ना, तो कैसे निकालते थे I2 वैल्यू अगर निकालनी होगी तो, जिसमें फ्लो कर रहा है मतलब इसमें फ्लो कर रहा है, इसका कितना निकला 2.8, तो जितना फ्लो कर रहा है इनटू में उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है बेटा 3/ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना हो जाएगा 3+3, ठीक है सोल्व कर लेंगे
तो हमारे यहाँ से जो I2 आएगा बेटा, I1 आएगा हमारा 2.8 समथिंग, ठीक है, फिर हमने I2 निकाला तो I2 आ गया हमारा 1.43, ठीक है। अब हमें पता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ये A मान लो ये B मान लो, तो अगर ये 10 था ये 6 है तो ये कितना बच जाएगा 4, I3 तो माइनस करके निकल जाएगा ना दोनों को, तो हमने क्या किया I3 को। हाँ बोलो बेटा सर प्लीज, ये I2 आपने कैसे निकाले ये रिपीट कर देंगे। देखो I2 वैल्यू कैसे निकाली, I2 हमारा ये था ना इसके अक्रॉस है, ठीक है, yes, अब इसके अक्रॉस ये भी जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में है दोनों। ओह यस सर, इसको अगर मैं एक साथ लूंगा तो 3 हो गया बेटा, ठीक है। हमने okay. बताया था अगर किसी दो कंडक्टर है, पहला है ये दूसरा है, इसमें कोई फ्लो कर रहा है करंट, हमें इसमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, जिसमें निकालना है मतलब I2 निकालना है, इज इक्वल टू जिसमें फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा था, हमने निकाला था I1 2.8 आया था हमारा, इनटू में उसका अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है उसके, यहां पे अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना हो गया 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, 3 + 3 6, ठीक है बेटा। ओके सर, यहाँ से हमारी I2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब I3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो I3 तो सिंपल है, अगर मुझे I3 की वैल्यू निकालनी कैसे निकालेंगे, I3 कैसे निकालेंगे बेटा, I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, टोटल करंट यहाँ से आ रहा था ना, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा था, अगर मैं टोटल में से I2 को माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा I3। हमने क्या किया, हमने तीन करंट निकाले बेटा यहाँ पे I1, I2 और I3, जो हमने तीनों करंट जब इंडिविजुअल निकाले तो हमारा I1 जो करंट था वो आया हमारा 2.8 के अप्रोक्स आया था, ठीक है। I2 हमारा आया 1.43 और I3 भी हमारा आया 1.4, क्योंकि 2.8 का तो डबल ही हो गया ना, वो 1.4, तो मतलब आधा करंट यहाँ आ गया 1.4, आधा करंट यहाँ आ गया 1.4, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट में उसने क्या बोला कि मैं वोल्टेज रेप्रोसिटी उल्टी, अब उल्टा क्या किया हमने, यहाँ से इसको हटा दिया वोल्टेज सोर्स को, कहाँ लगा दिया हमने वोल्टेज सोर्स को, लगा दिया यहाँ पर प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है बेटा। जब हमने यहाँ पे लगा दिया तो कह रहे पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, अब जब इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अब देखो वोल्टेज के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो अब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसके हिसाब से निकालो एक बार, अब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, अब जब यहाँ पे आ गया है तब कैसे निकालेंगे, अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे बेटा, 2 और 3 पैरेलल में, देन ये सीरीज में, देन ये सीरीज, तो 1/2 + 1/3, फिर देन जो भी आंसर आएगा +1 देन +2, तो ये हमारा आ जाएगा 4.2, तो आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया 4.2। इसमें डाउट बेटा, अब सेम प्रोसीजर है, अब पहले इसके लिए हमारे तीन वैल्यू निकाली थी ना I1, I2, I3, अब वोल्टेज सोर्स यहाँ लग गया तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल ली, अब सिमिलरली हम यहाँ पे पहले I1 की वैल्यू निकालेंगे, देन I2 वैल्यू निकालेंगे, देन I3 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बेटा। जब मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम V/R, तो V कितना है 10 वोल्ट, R कितना निकला था 4.2, 10 / 4.2, ये हमारा निकल जाएगा 2.3, ठीक है बेटा। देन हम निकालेंगे I2, अब I2 कैसे निकालेंगे, सेम वही जो फॉर्मूला बताया था, इस करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें निकालना है, तो कैसे निकाल देंगे I2 की वैल्यू, तो जितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है 2.3 इंटू में अपोजिट, अब इसके अपोजिट यहाँ पे देखोगे तो कितना करंट वो है रेजिस्टेंस 3 अपॉन में टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5, इसको सोल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू हमारी यहाँ से बेटा आएगी 2.3, ठीक है बेटा। I2 वैल्यू आई 2.3, I1 की वैल्यू सोचिए मैंने 2.9 आ रही है I2, हाँ वही ना, ओके ओके, ये नहीं है बेटा I1, पहले हम इसमें ना I2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि करंट वोल्टेज सोर्स था हमारा कौन सा था यहाँ पे I2 था ना, इसमें पहले हम I2 निकालेंगे बेटा, तो I2 निकलेगा हमारा V/R मतलब 10 अपॉन में 4.2, तो वो निकल गया 2.8, तो I2 हमारा निकल गया 2.8, देन जो यहाँ निकला वो निकलेगा I1, कैसे निकलेगा, जितनी वैल्यू थी सॉरी 2.3 आएगी ना, हाँ जितनी वैल्यू थी 2.3 इंटू में अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल, तो
I1 की जो वैल्यू निकलेगी हमारी यहाँ से, I1 की वैल्यू आएगी हमारी 1.43 बेटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इस केस की बात करते हैं, पहले वाले केस की जो हमने यहाँ निकाला था, तो यहाँ पे जो हमारा करंट इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा था, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हमारा सोर्स एक्स वाई ब्रांच में था, एक्स वाई ब्रांच में जब पहले हमारा सोर्स था फिगर वन में, तो जो ए बी ब्रांच थी ये वाली, तो उसके अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा था, आई टू। तो आई टू करंट की वैल्यू कितनी थी हमारी 1.4। जब हमारा एक्स वाई में वोल्टेज सोर्स लगा था तो उस टाइम ए बी में हमारी वैल्यू कितनी निकली थी 1.4। अब हमने उल्टा किया सेकंड केस में, अब हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो जब यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा है तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू कितनी है I1, तो I1 की वैल्यू वो भी कितनी निकली 1.4। तो इस समय क्या समझ में आया कि पहले जब हमने XY के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स लगाया था और हमने कौन सी वैल्यू निकाली यहाँ से, सिर्फ I2 की वैल्यू हमें देखनी है, बाकी नहीं देखनी I2, तो I2 की वैल्यू हमारी आई थी 1.4। सेकंड केस में हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को जब हमने यहाँ लगा दिया था तो अब यहाँ तो वोल्टेज सोर्स लग गया, तो अब हमने करंट की वैल्यू कहाँ देखी, इस वाले में XY में देखी, मतलब I1, मतलब I1 के अक्रॉस देखी, तो वो भी कितनी आई 1.4। तो ये कहता है अगर मैं वोल्टेज सोर्स को एक से हटा के दूसरी आर्म में लगा भी देता हूँ तो जो अपोजिट जहां पे हम लोग करंट वैल्यू निकाल रहे थे वो क्या रहती है दोनों केस में, सेम। इसमें समझ में आया बेटा, समझ में आया सबको? यस सर। ये दोबारा बता दो कि V by, ये कैसे हुआ यहाँ पे, I2 की वैल्यू कैसे चेंज हुई? आई टू वैल्यू चेंज नहीं हुई बेटा, आई टू वैल्यू चेंज सेम हुई है। देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा था कि यहाँ पे जो एक्स वाई है, हमने वोल्टेज सोर्स यहाँ लगाया था ना, तो वो क्या